आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर आजीविका और कौशल विकास दिवस के उपलक्ष्य में आईटीआई कुठाड़ में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें कृष्णगढ़ पंचायत के प्रधान रामनाथ वशिष्ठ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उनके साथ कृष्णगढ़ पंचायत के उप प्रधान पवन शर्मा भी उपस्थित रहे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी नमस्कार। आज इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री रामनाथ विशेष प्रधान ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ कुठाड़, उनका गवर्नमेंट आईडी कृष्णगढ़ कुठाड़ में हार्दिक अभिनंदन है। और इनके साथ आए हुए पवन कुमार जी उप प्रधान ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ कुठाड़, उनका भी यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और मीडिया से आए हुए राजीव कुमार जी, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज 5 मई 2018 को आजीविका और कौशल विकास दिवस जो है गवर्नमेंट आईटीआई कृष्णगढ़ कुठाड़ में जो मनाया जा रहा है, मैं प्रधान जी से प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति चाहूंगा। आईटीआई कुठाड़ के स्टाफ द्वारा मुख्य अतिथि व साथ आए अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आईटीआई के प्रशिक्षुओं ने अपनी प्रस्तुतियां भी दी। आदरणीय प्रधानाचार्य जी व निदेशकगण तथा ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ कुठाड़ से हमें प्रधान मेरा आज का विषय है आजीविका, जिसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। आजीविका ग्रामीण योजना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन सेवा की सुविधा प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आजीविका का एक स्रोत प्रदान किया गया है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के लिए आजीविका ग्रामीण योजना, प्यारे दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे आजीविका ग्रामीण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम सबको इसके क्या लाभ होंगे तथा हम इस योजना का लाभ किस प्रकार से ले सकेंगे। दोस्तों यह आजीविका ग्रामीण योजना सभी गरीब और अमीर व्यक्ति के लिए है। आजीविका ग्रामीण योजना, इस योजना में संस्थानों के बैंक जुड़ा पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि उनकी आय का पता चल सके। प्रारंभ में ही महिला स्वयं सहायता समूहों को और उसके महासंतों के लिए जुड़ा गया है। सचित बैंक क्रेडिट 1.19 लाख करोड़ रुपए है। आजीविका ग्रामीण योजना का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आजीविका प्रदान करवाना है। इसके तहत पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रचलित करने की सुविधा प्रदान करना है। इसे 6, 3 और 4 व्हील मोटर परिवहन वाहनों को सुरक्षित और सही सस्ती सामुदायिक निगरानी वाली ग्रामीण परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी ताकि दूर चार के गांव को बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य यद्यपि मुख्य सेवाओं को सुविधा से जोड़ा जा सके। और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं आपके सामने जिस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ उसका शीर्षक है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नेशनल रूरल ऑफ
लाइवलीहुड मिशन। दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपाय के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। इस योजना में दो घटक हैं, एक ग्रामीण भारत के लिए तथा दूसरा शहरी भारत के लिए, और हम इसके ग्रामीण पक्ष पर चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिला किसानों के लिए कृषि और गैर कृषि आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए समर्पित घटक सहित महिला सशक्तिकरण विशेष ध्यान दिया गया है। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। कार्यक्रम के दौरान ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले कॉम्पिटिटर्स को और कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रशिक्षुओं को मोमेंटोस और सर्टिफिकेट्स भी प्रदान किए गए। तो ड्राइंग कंपटीशन में हमारे जाने माने, इनकी एक अलग पहचान है इस रूप में, लेकिन हमारा क्या फर्ज बनता है कि बच्चे के अंदर गलतियाँ भी होती है, पर लेकिन हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, और हमारे को खुशी तब होती है बच्चा अगर अच्छी राह में आ जाए। ठीक है, अब तो आप लोग बता सकते नाम कौन? मिस्टर इंदर, फर्स्ट प्राइज। मिस्टर जितेंद्र कुमार, प्राइज जो है फॉर दिस उमेश चंद, और इसके बाद सोलो सॉन्ग के लिए वो इनकी भी एक अपनी अलग पहचान है मिस्टर दीपांशु कौशल, क्योंकि हर चीज़ में एक्टिव है और आगे रहते हैं हमेशा, और परीक्षार्थियों से भी हमारा ये अनुरोध रहता है कि हर काम के लिए, हर एक्टिविटी के लिए आगे रहें। तो सोलो सॉन्ग के लिए हमारे पास एक ही थे और फर्स्ट प्राइज इन्हीं को जाता है, मिस्टर दीपांशु कौशल।
पंजाबी डांस के लिए जो ग्रुप बना हुआ था वो सारे ग्रुप आ रहे आगे। ताड़ियां बजाते रहे। अंत में मुख्य अतिथि ने प्रशिक्षुओं को संबोधित किया और साथ ही नशा न करने की नसीहत भी दी। आदरणीय कुलदीप जी, प्रधानाचार्य, अन्य प्रशिक्षक वर्ग और आईटीआई के सभी समस्त स्टाफ के सदस्य और सभी जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं, सर्वप्रथम आज आजीविका कौशल विकास दिवस की आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप लोगों ने मुझे इस अवसर पर निमंत्रित करके मेरी बहुत हौसला अफजाई की है, मैं इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। जैसा कि कई बच्चों ने भी बताया भी है कि ये 31 दिवस का क्या महत्व है, तो आप लोग सभी इसी से जुड़े हुए हैं, आजीविका एवं कौशल विकास। आप ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जो है श्रम मंत्रालय की, इसका बहुत ही महत्व है गरीबी के उत्थान के लिए। तो सभी लोग, आप लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ये सभी की आजीविका से संबंधित है। आप लोग इसका मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे ध्यान है या जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप लोग इसका बहुत सदुपयोग करेंगे और ये आपके और बच्चों को भी आप इसका महत्व बताएंगे और अधिक से अधिक संख्या में, जैसे लोगों ने इसमें आईटीआई वगैरह खोली हैं, और क्योंकि आज सरकारी नौकरी तो नहीं रही, अब आप जितना भी कर सकते हैं अपना आजीविका का तो वो सबसे अच्छा है। सब इस अवसर पर एक तो एक आपको एडवाइस दूंगा कि एक तो नशे से मुक्त रहें सर्वप्रथम, क्योंकि आजकल का जो युवा है वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो अगर इससे आप मुक्त रहेंगे तो आप फिर ये सोसाइटी के लिए भी और आपके परिवार के लिए भी, खुद के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बस यही संदेश मेरा है और इसी के साथ आप सभी का, आपका स्टाफ का, दोबारा से मैं एक बारी तहे दिल से हमारे प्रधान ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ कुठार और इनके साथ आए हुए उप प्रधान पवन जी, मीडिया से आए हुए राजीव जी, मैं इनका तहे दिल से गवर्नमेंट आईटीआई कृष्णगढ़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप ओवरऑल ट्रॉफी के विजेता रहे हैं, तो आपको कैसा लगा ये ट्रॉफी लेकर? सर, मैंने सोचा नहीं था सर कि मेरे को ट्रॉफी मिलेगी, मैंने कि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को ट्रॉफी मिलेगी सर, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इतनी सम्मान्यता मिली, इतने ट्रॉफी मिले, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने गुरुजन का और जिन्होंने मुझे यहाँ पे ट्रॉफी देने की और मुझे इस काबिल समझा कि मैं ट्रॉफी लायक हूँ। काफ़ी अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा महसूस किया सर। आपका फ्यूचर में एम्बिशन क्या है? सर, मेरा मिशन तो सर एक सिंगिंग बनना सर, कि मैं सिंगिंग स्टार हूँ सर, बहुत मेरा नाम हो सर, कि मैं अच्छी का अच्छा सिंगर अपनी एल्बम्स बनाऊँ, अच्छा सब कुछ करूँ, पर आगे देखते हैं सर कि क्या होता है। वैसे मेरा मिशन सर म्यूजिक सिंगर डायरेक्टर बनना है। अभी आप कौन से ट्रेड में प्रशिक्षण ले रहे हैं? सर, मैं मैकेनिक मोटर व्हीकल में सर प्रशिक्षण ले रहा हूँ। तो मोटर मैकेनिक में भी कुछ आगे करना चाहेंगे कि सिंगिंग में ही करना चाहेंगे? जी सर, अब एक्चुअली सर मोटर मैकेनिक ही सर चुना है सर, इसमें लाइफ बनानी सर, तो आगे सर मैंने पॉलिटेक करने की सोची सर, पॉलिटेक बाद सीटी और आईटीआई में सर टीचर लगने की सोच रखी सर।